नमस्कार साथियों, चमत्कारी समाधान में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, बात करेंगे काले तिल की। जी हाँ, आप सभी ने काले तिल के बारे में तो सुना ही होगा, यही नहीं काले तिल से होने वाले फायदों को अपनाया भी होगा, लेकिन शायद आपने काले तिल के चमत्कारी गुणों के बारे में नहीं सुना होगा। पैसों से लेकर बीमारी तक की सभी समस्या का समाधान इन काले तिल में छुपा है, जो अब मैं आपको बताऊंगी। पहला, धन की समस्या दूर करने के लिए हर शनिवार काले तिल काली उड़द को काले कपड़े में बांध कर किसी गरीब व्यक्ति को दान दे। इस उपाय से पैसों से जुड़ी समस्या दूर हो सकती है। दूसरा, धन हानि रोकने हेतु मुट्ठी भर काले तिल को परिवार के सभी सदस्यों के सिर पर 7 बार उतार कर घर के उत्तर दिशा में फेंक दे, धन हानि बंद हो जाएगी। तीसरा, बुरे समय से मुक्ति हेतु ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप करते हुए प्रत्येक शनिवार को दूध में काले तिल मिलाकर पीपल पर चढ़ाएं। ऐसा करने से कैसा भी बुरा वक्त चल रहा हो वो दूर हो जाएगा। चौथा, नजर दोष। जब कभी किसी छोटे बच्चों को नजर लग जाती है तो वो दूध उलटने लगता है और दूध पीना बंद कर देता है। ऐसे में परिवार के लोग परेशान हो जाते हैं। ऐसी स्थिति में एक बेदाग नींबू ले और उसको बीच में आधा काट दे और कटे वाले भाग में थोड़े काले तिल के कुछ दाने दबा दे और फिर ऊपर से काला धागा लपेट दे। अब उसी नींबू को बालक पर उल्टी तरफ से 7 बार उतारे। इसके पश्चात उसी नींबू को घर से दूर किसी निर्जन स्थान पर फेंक दे। इस उपाय से शीघ्र ही लाभ मिलेगा। पांचवा, मंगल या शनिवार के दिन काले तिल, जौ का पिसा हुआ आटा और तेल मिश्रित करके एक रोटी पकाएं। उसे अच्छी तरह से दोनों तरफ से सेके, फिर उस पर तेल मिश्रित गुड़ चुपड़ कर व्यक्ति पर 7 बार उतारे और भैंसे को खिला दे। कैसी भी बीमारी हो वो दूर हो जाएगी। छठा, पीपल के पेड़ पर दूध में काले तिल मिलाकर चढ़ाने से भाग्यहीन व्यक्ति भी भाग्यशाली बन जाता है। ऐसा प्रतिदिन करना चाहिए। सातवां, अगर संतान प्राप्ति में शनि बाधक हो तो काले तिल जमीन में दबा दें और एक लोहे की कील चाकू शनि मंदिर में दान करें। आठवां, शनिवार को पीपल के वृक्ष में काले तिल के साथ कच्चा दूध, गंगाजल, शहद, गुड़ को स्टील या चांदी के बर्तन में डालकर अर्पित करें व सरसों के तेल का दीपक जलाएं, धन लाभ होगा। आप भी काले तिल के इन उपायों को अपनाएं और अपने जीवन की समस्या को दूर भगाएं। और यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना ना